आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। सरकार के द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही तरह तरह की योजनाओं का लाभ आम जनता तक किस तरीके से पहुंचता है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। बेशक सरकार के द्वारा आम जनता के लिए महत्वाकांक्षी योजनाओं का शिलान्यास किया जाता है, लेकिन आम जनता को जमीन स्तर पर इसका कितना लाभ आम जनता को मिल पाता है, आप इन तस्वीरों से साफ अंदाजा लगा सकते हैं। इन तस्वीरों के सामने आने से पशु विभाग के द्वारा किए गए गोरखधंधे का पर्दाफाश हो गया। साथ ही सरकार के मंसूबों पर भी पानी फेरने वाले विभाग की जमीनी हकीकत सामने आई है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के खैर तहसील में स्थित टप्पल पशु चिकित्सालय का है, जहां पर सरकार की योजनाओं के तहत जेई नाम बीज किसानों को सरकारी मूल्य पर वितरित किया जाता है, जिससे वह अपने पशुओं का पालन पोषण करके और देश की आर्थिक स्थिति में अपना सहयोग कर सकें। लेकिन टप्पल के पशु चिकित्सालय के द्वारा अपनी सरकारी गाड़ी से देर रात उसी बीज को प्राइवेट दुकानदार को बेचा जा रहा था, जिसको लेकर जब मीडिया को इसकी खबर हुई तो मीडिया के द्वारा खबर करने की कोशिश की गई तो दुकानदार के द्वारा दुकान का शटर बंद कर दिया गया। साथ ही पशु विभाग के कर्मी भी कैमरे से बचते नजर आए। वहीं दूसरी ओर सरकारी पशु विभाग की गाड़ी से उतरे सरकारी बीज की बोरियां पूरी तरीके से सील नजर आ रही थी। साथ ही साफ शब्दों में उनके ऊपर सरकारी टैग लगा हुआ है। पशु विभाग के गोरखधंधे की वजह से आम जनता तक सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नहीं पहुंच पाती और सरकारी कर्मचारियों के बंदरबांट की वजह से ही आम जनता को इसका लाभ नहीं मिल पाता। क्या ऐसे अधिकारी और विभागीय कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं, यह देखना अभी बाकी है। वहीं पूरे मामले पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी बीपी सिंह के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि देर रात अलीगढ़ मुख्यालय से बीज टप्पल भेजा गया था। पशु चिकित्सालय की चाबी न होने की वजह से उसे प्राइवेट दुकान में माल उतारा गया था। पूरे मामले पर टप्पल पशु चिकित्सा अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। दूसरी ओर अगर बात करें टप्पल चिकित्सा अधिकारी की, तो उनके द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि जेई का बीज कर्मचारी के फोन न उठाने के कारण पड़ोस के निजी खाद्य दुकान पर उतारा गया, वहीं सुबह वापस मांग लिया जाता है। अगर बात काले कारनामे के सच उजागर करने की कही जाए तो पशु चिकित्सालय की गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर के द्वारा बताया गया, उनके द्वारा लगभग 2 से 3 साल से इसी तरीके से गोदाम से माल उतारा जाता है। सरकार के मंसूबों को पैरों तले कुचलने वाले अधिकारियों के द्वारा पूरे मामले की लीपापोती करते हुए मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। आम जनता को दिए जाने वाले लाभ का जमकर बंदरबांट किया जा रहा है। क्या आला अधिकारी भी इस कड़ी से जुड़े हुए हैं, यह देखना भी बाकी है। अलीगढ़ से लाइव टुडे न्यूज के लिए संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। अच्छा सर, रात में हमने आपकी गाड़ी देखी थी, उसमें से जेई के कट्टे उतर रहे थे, क्या क्या प्रकरण था? पूरा प्रकरण ये था, कल मेरी मीटिंग थी, हमारे यहाँ जेई का बीज आया हुआ था, जो कि जिसका रेट 35 रुपया के हिसाब से देखा जाता है। रात में लेट होने के कारण लगभग 7:30-8 समय हो रहा था, मैंने अपने फोर्थ क्लास पर फ़ोन लगाया, उनका फ़ोन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा था। सरकारी गाड़ी में जेई भरी हुई थी, लगभग 5 क्विंटल के लगभग 15 कट्टे थे, वजन गाड़ी में लगभग 5 क्विंटल के लगभग होता, रात में उसे खड़ी नहीं कर सकते थे जी, तो उसे कहीं उतारना था, वहाँ हम उतार रहे थे। सुबह हमने वो वापस अपना बुला लिया। अच्छा सर, वो जो गोदाम था सर, आपका ही है क्या? नहीं, हमारा नहीं है, वो प्राइवेट गोदाम था। प्राइवेट गोदाम था, किसी बीज वाले का था ना वो? नहीं, बीज वाले का पता नहीं किसका है, शायद खाद का काम होता है, खाद बीज का काम होता है, खाद का काम होता है, बीज का नहीं। अच्छा 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 सर, ये बताइए, जो ड्राइवर का कहना है कि हम दो तीन साल से इसका है, इसमें लगे हुए हैं, तो इसमें क्या कहना है सर? नहीं, ड्राइवर को अभी मेरे यहाँ आए हुए, उसको 2 साल हुए, 3 साल उसने पता नहीं क्यों बताया, ठीक है, और ना ही उसे इस बारे में कोई जानकारी होगी जैसे कुछ। सर, जो टप्पल में सर जो जेई का मामला सर, क्या है वो आपने सर? वो भी मेरी बात हुई है उन्होंने, तो उसमें हमारे यहाँ से 5 तारीख में जो मीटिंग लेट छूटी थी, जब मैंने मीटिंग बुलाई थी सारे ब्लॉक स्तरीय पशु चिकित्सा अधिकारियों की, तो यहाँ से वो गाड़ी में करीब 8 बजे यहाँ पर लेके गए हैं, 7:30 बजे आते हुए, और वहाँ करीब 15 बैग हैं, और चाबी नहीं थी उनके पास, इसलिए वो किसी की परिचित व्यक्ति की दुकान पर उन्होंने वो उतरवा दिए थे। और सुबह जब अस्पताल 8 बजे खुलता है हमारा, तो उन्होंने 8 बजे सारे जो है बैग थे 15 बैग वहाँ उन्होंने रखवा दिए, और दूसरा मेरे पास भी उन्होंने वीडियो भेज दिया। अच्छा सर, वहाँ से हमने उनसे डॉक्टर साहब से जब बात हुई हमारी, तो डॉक्टर साहब का कहना था, मैं उनको जानता भी नहीं जिनके यहाँ उतरी हुई है। सर, ऐसा क्या, ऐसे कैसे हो सकता है बगैर परिचित के यहाँ आप वो सामान उतरवा सकते हैं? बगैर परिचित के यहाँ कैसे उतार सकते हैं? ऐसा तो हो हुआ नहीं, दूसरा मैं उनका स्पष्टीकरण कर रहा हूँ, भाई ऐसा क्यों किया।